जाएगा ऑडियंस में? जी नमस्कार, मेरा नाम मिताली नाग है एंड आई एम श्योर आप लोग मुझे जानते हैं। जिस चीज़ के लिए आज मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप लोग अगर मुझे फॉलो करते आए हैं मेरे इंटरव्यूज़ में या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आई हैव ऑलवेज स्पोकन फॉर द राइट। मैंने कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम अ वेरी सिंपल पर्सन, मैं अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने काम में खुश रहती हूँ। मेरे बहुत बड़े बड़े ओपिनियंस नहीं हैं किसी चीज़ को लेकर। एज लॉन्ग एज आई एम हैप्पी, एज लॉन्ग एज किसी की चॉइसेस या किसी की कोई किसी का कोई स्टेटमेंट मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है पर्सनली, मुझे, मेरे परिवार वालों को, तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बिलीव करती हूँ लिव एंड लेट लिव पे। बट रिसेंटली मैं आई केम अक्रॉस अ पोस्ट ऑन फेसबुक जहाँ पे सपना जी, सपना भवनानी, जिस पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, वो पोस्ट इतना अश्लील है कि आप लोग शायद अपने चैनल पे, अपने स्क्रीन्स पे वो शायद शेयर भी नहीं कर पाएंगे। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज जब मैं बात कर रही हूँ तो इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक चल रहा है, जहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सिर्फ इंडिया या भारत के ही नहीं, पूरे देश की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस औरतों को, नई माओं को, लड़कियों को ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस के लिए अवेयर करा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं, उन्हें सिखा रहे हैं कि आप लोगों को शुरू के 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ आपका दूध, मतलब माँ का दूध पिलाना चाहिए। स्पेशली इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पे हमारी तो वैल्यूज़ पूरे जहान में मुझे लगता है फेमस है, तो हमें तो बचपन से सिखाया जाता है यार कि एक माँ अपने बच्चे को जो अनमोल गिफ्ट दे सकती है वो है अपना ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि उससे इम्यूनिटीज़ बढ़ती है। मतलब डॉक्टर्स भी बताते हैं, आई एम श्योर अगर आप लोग जो देख रहे हैं उन्हें बच्चे हुए हैं या उनके परिवार में किसी को बच्चे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ सो इम्पॉर्टेंट। हाउएवर क्योंकि हमारी कंट्री में उतनी स्पेसेस नहीं हैं जहां हम फ्रीली अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकें, इसीलिए रिसेंटली एक कैंपेन भी शुरू किया गया था, फ्रीडम टू फीड, जो कि नेहा धूपिया जी ने शुरू किया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि नेहा जी ने ये कैंपेन शुरू किया है, जहां पे एज मदर्स हमें चाहिए कि पब्लिक स्पेसेस में ऐसे स्पेसेस बनाए जाए जहाँ हम लोग फ्रीली अपने बच्चों को फीड कर सकें, क्योंकि अगर हम पब्लिक में शुरू हो जाते हैं तो उस चीज़ को भी बहुत सारे लोग अश्लीलता का नाम दे देते हैं। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसको कई सारे लोग अश्लीलता की नज़र से देखते हैं। इसी बात का अवेयरनेस शुरू जगाने के लिए नेहा जी ने फ्रीडम टू फीड एक कैंपेन शुरू किया था, जिसमें वो चाहती हैं कि हर माँ अपना पिक्चर शेयर करे और अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ था। मुझे याद है कुछ टाइम पहले मैंने पढ़ा था, कोलकाता में किसी एक मॉल में एक लेडी मॉल में अपने बच्चे को फीड करा रही थी और मॉल की अथॉरिटीज़ ने आके उन्हें बोला कि आप ये क्या कर रही हैं, इट्स नॉट अलाउड, आप टॉयलेट में जाके फीड करवाइए। इसके अगेंस्ट लोगों ने कितने सारे, मतलब देयर वाज अगेन देयर वाज एन एंटायर कैंपेन अगेंस्ट दैट मॉल, कि उस मॉल को बॉयकॉट कीजिए। तो हम औरतें, या नॉट जस्ट आई थिंक वीमेन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल अराउंड द वर्ल्ड आर ट्राइंग कि लोगों के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पॉर्टेंस और ब्रेस्ट फीडिंग की ब्यूटी के बारे में उनकी अवेयरनेस हो और माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाएं एटलीस्ट 6 महीने तक, दे शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम इट। इस बीच में सपना जी ने एक बहुत ही घटिया सा, बहुत ही वाहियात सा पोस्ट शेयर किया है, जो पोस्ट देखने के बाद, जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया, वो बहुत ही शर्मनाक पोस्ट है। आप ब्रेस्ट फीडिंग जैसे प्यारे से और डिवाइन से, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और आज एज अ मदर मैं यहाँ बात कर रही हूँ, एज ए मदर मैं बात कर रही हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज आई ब्रेस्ट फेड माई बेबी। मैं अभी, मेरे बच्चा दूध पीता है मेरा, अभी भी पीता है, वो 2.5 साल का है, मैं अभी भी उसे दूध पिलाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सास ने, मेरी मम्मी ने ये बताया कि जितने टाइम तक बच्चा दूध पिएगा पिलाने दो, कोई बात नहीं। ऐसे में आप एक बहुत ही वाहियात, मतलब हो सकता है उनके लिए वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो, बट मुझे पर्सनली वो कहीं से भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ सिंपली अब्यूजिंग माई मदर हो, जहाँ मैं एक बच्चे को दूध पिला रही हूँ और उस पोज में, और उन्हें बहुत ही गंदा और बहुत ही घटिया सा पोस्ट किया जहाँ एक अडल्ट आदमी वो हरकत कर रहा है। आई थिंक इट इज़ एब्सोल्यूटली डिसगस्टिंग। मतलब आई डोंट नो कि वो क्या सोच रही थी वो पोस्ट शेयर करते वक्त, वो खुद एक पब्लिक फिगर है, वो क्या मैसेज पहुँचाना चाह रही हैं लोगों तक। उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए, उन्होंने इतनी अच्छी, इतने बड़े बड़े जो कांड हुए उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए कि औरतों ने बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, इस बात पे उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि उस बात का मजाक बनाना चाहिए, वो भी इतना गंदा सेक्सुअल मजाक। मिताली, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, लोगों में अवेयरनेस की भी कमी है आपको लगता है? क्योंकि जैसे आपने मॉल का किस्सा शेयर किया, इसके अलावा नेहा धूपिया जी ने एक किस्सा शेयर किया,
जहाँ पे वो ट्रैवल कर रही थी और उन्होंने जो है टॉयलेट में एक घंटा ले लिया, जिसकी वजह से लोग एम्बैरस हुए इस चीज को लेके। तो आपको लगता है कि अवेयरनेस की भी कमी है लोगों में इस चीज को लेके, क्योंकि डॉक्टर माओ को तो ब्रीफ करते हैं कि 6 से 8 महीने तक उनको ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उनको भी पता होना चाहिए ये सब। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली अवेयरनेस की कमी है। और देखिए अलग अलग आई फील जैसे कि हम बोलते हैं बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड प्रेगनेंसी, मुझे पता है ऐसे बोला जाता है कि हर प्रेगनेंसी अलग होती है हर औरत के लिए। अगर किसी को 2 बच्चे हो या 3 बच्चे हो तो उनकी हर प्रेगनेंसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। सो आई डोंट रियली वॉन्ट टू से एनीथिंग पर्टिकुलरली, बिकॉज बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं ड्यू टू मेडिकल रीजन दे आर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड देयर किड्स, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपको इस बारे में बहुत गिल्ट ये भी नहीं फील करना चाहिए, बट द रीज़न दैट द ब्रेस्ट मिल्क is good and I think it is the best you know medically for a child, that is the reason that aajkal doctors bhi awareness shuru kar rahe hain। Ha, as you said awareness ki kami hai, isiliye celebrities ya influencers jo hain wo log dheere dheere campaigns shuru kar rahe hain jahan pe, kyunki wo log influencers hain, kyunki wo log celebrities hain, so people look up to them, log janna chahte hain, log dekhna chahte hain ki are ye kya kar rahi hain, are ha ye to bahut acha karti hain, hame bhi aisa karna chahiye। Isiliye dheere dheere sab celebrities jo hain wo लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें। और जैसे कि आपने राइटली पॉइंट आउट किया, नेहा जी या इनफैक्ट सोहा अली खान, मतलब इनफैक्ट आई रिमेंबर लीजा हेडन जो है लास्ट ईयर जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक था, इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तब उन्होंने भी पिक्चर शेयर किया था। सो एवरीबॉडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक विमेन अवेयर कि नहीं, इट इज़ नॉट एनीथिंग बैड और इट इज़ नॉट एनीथिंग दैट यू हैव टू बी अशेम्ड ऑफ। अगर आप पब्लिक में भी अपने बच्चे को फीड कर रहे हैं so there is nothing wrong with it, a woman is not doing it because she wants to show her breast, she is not doing it for that, she is not doing it because she wants attention, she is doing it because it is a need for her baby, so that is the awareness that people are trying to create and I think that is what we have to stick to, that is what we have to promote and not do something which will make people say that dekha ye hota hai, समझे, इसलिए तुमको बोलते हैं कि पब्लिक में मत पिलाओ। As you rightly said कि अवेयरनेस की भी कमी है, लेकिन सपना ने जो पिक्चर शेयर किया उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है और उनको मतलब उन्होंने पब्लिकली वो पिक्चर शेयर किया तो आई एम श्योर कि उनकी अपोलॉजी भी पब्लिकली होनी चाहिए। जी देखिए, सपना जी ने वो पिक्चर क्यों शेयर किया, आई रियली मैं वही सोचना चाहती हूँ या मैं वही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि सपना जी ने वो पिक्चर क्या सोच के शेयर किया यार। मतलब वो खुद एक एक्टिविस्ट हैं एंड आई मीन सपना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं न्यू मुंबई आई थी मुझे धीरे धीरे जब सपना जी के बारे में पढ़ा या अदरवाइज ऑल्सो जैसे मैं उनके बारे में जानती हूँ उनके लाइफ के बारे में, वो बिग बॉस में भी आई थी, जब मैंने उनके लाइफ के बारे में पढ़ा तो आई रियली लुक अप टू हर फॉर हर करेज इन द इश्यूज टू स्पीक अप अबाउट थिंग्स। एज आई सेड मैं बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड नहीं हूँ, मैं अपने परिवार अपने काम में खुश हूँ, पर सपना जी ने हर चीज़ के अगेंस्ट स्टैंड लिया है तो मुझे ऐसा लगता था कि वाओ मैन। तो ऐसी कोई लेडी अगर ये हरकत करेगी तो मुझे सीरियसली समझ में आता है, ये चीज़ आपको उनसे पूछनी चाहिए कि मैम आपने जब ये पिक्चर डाली पोस्ट की तो आप क्या सोच रही थी। एंड डेफिनेटली यस, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किया, बहुत ईजी हो गया आजकल, इट इज़ बिकम वेरी ईजी बिकॉज हम एक फ्री कंट्री में रहते हैं, सोशल मीडिया इतना ईजिली एक्सेसिबल है, तो आई थिंक इट इज़ जस्ट दैट आप कहते हैं ना कि वो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं आप बेसिकली। तो डेफिनेटली यस, बिकॉज शी हैज़ पोस्टेड इट पब्लिकली, आई डेफिनेटली फील दैट शी नीड्स टू अपोलोजाइज टू ऑल द मदर्स। एज आई सेड, मैं एज अ मदर मुझे ऑफेंड हुआ है और मुझे बुरा लगा है कि उन्होंने ऐसी हरकत कैसे की, तो डेफिनेटली शी हैज़ टू अपोलोजाइज। एंड आप पूछिए उनसे, मैं भी जानना चाहती हूँ कि वो किस सेंस में, या अगर वो सेंस ऑफ ह्यूमर भी था उनका तो वो ये कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर है यार। आप जाके देखिए उस पोस्ट पे लोग कितनी गंदी गंदी चीज़ें लिख रहे हैं, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है शायद। आई अप्रिशिएट दैट, मेरे अंदर इतनी गट्स नहीं है कि मैं कोई ऐसी पिक्चर डालूं और लोग मुझे कुछ भी लिखे और मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सॉरी, मैं उस स्टेज पे अभी तक लाइफ में पहुंची नहीं हूँ, बट मुझे ये बुरा लग रहा है कि उन्होंने मेरी एक पर्सनल चीज़, अब तो मतलब वो मेरे अंदर की माँ जागी है यार। तो आई थिंक सपना जी ने आज तक कभी किसी माँ को हर्ट नहीं किया जो इस पोस्ट से उन्होंने कर दिया। आपको लगता है कि अगर भी एक मतलब एक लिमिटेशन होना चाहिए, क्योंकि मतलब आए दिन लोग ऐसी पिक्चरें शेयर करते हैं या फिर कुछ भी किसी को भी बोल देते, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया को भी थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए इस चीज़ को लेकर? यस डेफिनेटली, मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया में भी कुछ ना कुछ
कहीं ना कहीं ऐसे लॉज आई एम श्योर हैं, बट यस देर हैज़ टू बी सम सॉर्ट ऑफ फिल्टरिंग दैट शुड हैपन बिफोर पोस्टिंग यू नो सच सॉर्ट ऑफ पोस्ट्स और पिक्चर्स विच इंस्टिगेट, मतलब इंस्टिगेशन डेफिनेटली, मतलब ये बहुत ज़रूरत है. आई एम श्योर आप लोग भी जानते होंगे कि सोशल मीडिया के वजह से बहुत सारे आजकल दंगे फसाद भी हो जाते हैं. तो आई थिंक इट इज़ द कॉल ऑफ द आवर कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को जो है वो जितनी पॉजिटिवली लोग यूज़ करते हैं उतनी ही नेगेटिवली भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जा रही हैं सोशल मीडिया की वजह से. एंड आई डेफिनेटली फील कि कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ फिल्टरिंग होनी चाहिए. इस अवेयरनेस को लेकर आपको लगता है कि बहुत सारी बॉलीवुड में भी माया, जैसे करीना की बात करें, ऐश्वर्या की बात करें, नेहा धूपिया रिसेंटली वो अवेयरनेस में जुड़ी हुई है. Yes. आपको लगता है कि बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को भी इस अवेयरनेस के साथ जुड़ना चाहिए जिससे कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि सेलिब्रिटी को लोग लुकअप को करते हैं. नहीं, आर यू टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग और आर यू टॉकिंग अबाउट द अवेयरनेस ऑफ द पोस्ट दैट वॉज मेड रिडिक्यूलिंग? नहीं, डेफिनेटली नॉट जस्ट ऑल द मदर्स इन द इंडस्ट्री लाइक नेहा धूपिया जी और ऐश्वर्या राय और करीना कपूर, नॉट जस्ट देम. मैं यहाँ पे एज अ सेड एज अ मदर मैं बात कर रही हूँ, एज अ वुमन मैं बात कर रही हूँ. तो मैं तो अपील करना चाहूँगी स्मृति ईरानी जी को, जो खुद एक माँ है और वो शी इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड अपलिफ्टिंग. तो मैं तो अपील करना चाहूँगी स्मृति ईरानी जी को कि आप देखिए कि किस तरीके का मैसेज और किस तरीके का इन्फ्लुएंस हो रहा है इस पोस्ट से, एंड शी हैज़ टू रेगुलेट दिस. एंड इनफैक्ट व्हेन यू टॉक अबाउट नेहा जी, नेहा धूपिया जिन्होंने फ्रीडम टू फीड जो हैशटैग दिया था सपना ने, आप क्वेश्चन कीजिए ना, आप क्वेश्चन कीजिए कि आपने किस इंटेंशन से वो हैशटैग या वो कैंपेन शुरू किया था. और सपना जी, आई एम श्योर आप लोग जानते हो एक दूसरे को, और सपना जी उस हैशटैग का कितना गंदा मिसयूज कर रही हैं, कितने गंदी तरीके से उसको वो अब्यूज कर रही हैं. लास्टली एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू सपना फ्रॉम? यस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू टेल हर दैट शी शुड नॉट मिसयूज हर सेलिब्रिटी एंड व्हाट शी इज डन विद दैट पोस्ट. आई थिंक शी ओज एन अपॉलोजी टू ऑल द मदर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड शी शुड, आई थिंक शी शुड जस्ट रिमूव दैट पोस्ट इमीडिएटली विद एन अपॉलोजी. Thank you. I have one question. Yeah. Mithali, you've always spoken and stood for the right thing. So, what is the whole purpose of putting this together? And you're standing alone, and that's a big thing. So, you have more people joining in for this cause, and is it like a mission now? We want to know more on that. Yes, I mean, as I started that, I'm not a much opinionated person, and again, I would like to रिट्रीट अगेन कि ये जो एज यू पॉइंट आउट दैट आई एम डूइंग इट अलोन, क्या होता है ना, मैंने रिसेंटली कहीं सुना था कि एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता है. तो वो पोस्ट देखने के बाद मेरे अंदर का जो मातृत्व है ना वो ऑनेस्टली स्पीकिंग जाग गया है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, एज आई सेड आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव ब्रेस्ट फेड माई चाइल्ड, आई ब्रेस्ट फीड माई चाइल्ड इवन नाउ. तो इतनी प्यारे सी चीज़ को अगर कोई अब्यूज़ कर रहा है तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी ईजिली, कई बार ऐसे होता है कि ठीक है यार जाने दो ना, हमें क्या करना है, ठीक है यार जाने दो ना, पर ठीक है यार जाने दो ना, ठीक है यार जाने दो ना, करते 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 ही हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाते, इस नौबत तक लाते हैं जहाँ वो इतनी प्यारी सी चीज़ का इतना घटिया और इतना गंदा मजाक बना सकते हैं. देखिए, मैंने शुरुआत आज अकेले की है, बट आई एम श्योर कि मेरे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, और भी माएँ जुड़ेंगी, और भी लेडीज़ जुड़ेंगी, और भी पापा लोग जुड़ेंगे, एंड वी विल मेक श्योर दैट समथिंग लाइक दैट never happens after this. Industry, aapki industry se Mithali, do have your friends called you and supported you that they are going to be in this cause with you? Yes, I have got messages, not calls, from friends, and they have told me that whenever or wherever you need our help, we are always there. So as I said, dekhiye mera intention koi bahut bada aise bawal machane ka ya aise nahi hai, but yes sir, FIR ke liye bhi you are initiating. हाँ, मैंने FIR के बारे में डेफिनेटली कंसिडर किया है, बिकॉज वॉट शी इज़ डन इज अब्यूजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, अब्यूजिंग मदरहुड. सो इफ शी डजंट अपोलोजाइज, इफ शी डजंट रिमूव द पोस्ट राइट नाउ, आई विल डेफिनेटली टेक द लीविंग स्टेप सो दैट शी, एंड नॉट जस्ट हर, उनके जैसे अगर कोई और भी लोग हैं जो ऐसी चीज़ों को, ऐसी डिवाइन चीज़ों को या ऐसी प्योर चीज़ों को अब्यूज़ करेंगे, उसका भद्दा मजाक बनाएंगे, उसका गंदा मजाक बनाएंगे, तो उन सबके लिए एक सबक होगा
कि क्योंकि आप सेलिब्रिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन गेट अवे विद इट. अगर आपने गलत किया है तो आपको उसके लिए भुगतना.